राइट right, नया साल नई शुरुआत शेरदिल पर आपके साथ मैं स्मृति। और आज पहली बार ना मुझे अपनी आवाज को लेकर के दो बार सोचने का मौका मिल रहा है, बिकॉज आज जो हमारे साथ गेस्ट आए हैं इनकी आवाज आवाज नहीं है, वो वाकई शेर की तरह दहाड़ती है। जैसा आपने कहा कि दहाड़ती हुई आवाज, तो लीजिए दहाड़ती हुई आवाज के साथ शेरदिल विद स्मृति। आशीष सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ ऑल द वे भोपाल से। आशीष की आवाज को आपने सुना है कई बार अपने फेवरेट रियलिटी शो के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए, बिग बॉस की बातें कर रही हूँ मैं, बाकी की कहानी ये खुद ही सुनाते हैं। आशीष अपने बारे में कुछ बताओ यार। मेरा नाम आशीष है, मैं डेफिनेटली भोपाल से हूँ, प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, एक फुल टाइम वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, साथ ही एक कंपनी रन करता हूँ जो मल्टीलिंगुअल वॉइस ओवर डबिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। परिवार में हम लोग अभी तो 7 मेंबर हैं, लेकिन बस 2 महीने बाद मेरी शादी है तो हम लोग हो जाएंगे 8 मेंबर। अरे कंग्रेचुलेशंस, देखा है मैंने तुम्हारे डीपी में उनकी तस्वीर। अब बाकी सुनने वाले भी जाइए, थोड़ा अपना खुद का रिसर्च कीजिए और देख लीजिए आशीष की दुल्हनिया को। फिलहाल आशीष कहाँ कहाँ पे तुमने वॉइस ओवर्स दिए हैं ये बताना जरा। मैंने काफी सारे कमर्शियल्स, मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज, बहुत तरह की वॉइस ओवर्स किए हैं और कंटिन्यू कर रहा हूँ, एंड बिग बॉस से भी कहीं ना कहीं मेरा नाम जुड़ा हुआ है। एग्जैक्टली इसी के बारे में तो हम बातें करना चाहते हैं, बताइए कैसे जुड़े हैं आप बिग बॉस के साथ। देखिए बिग बॉस जो टीवी में आवाज देता है उसमें अलग अलग आर्टिस्ट हैं, नरेटर वॉइस विजय जी हैं, और जो बिग बॉस की वॉइस है उसके बारे में मैं यहाँ पर जिक्र नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो उनका जो भी NDA साइन होता है। मैंने सीजन 16 में कलर्स टीवी के जो सोशल मीडिया कंटेंट्स हैं उनमें काफी सारे वीडियोस में मैंने अपनी आवाज दी है एज बिग बॉस, तो इस तरह से मैं बिग बॉस शो से जुड़ा और अपनी आवाज दी मैंने। तो जनाब नेकी और पूछ पूछ दो शब्द हो जाए, थोड़ा सा आदेश वादेश दे दीजिए सुनने वालों को, इंक्लूडिंग मी सर। बिग बॉस चाहते हैं कि सुनने वाले जितने भी श्रोता हैं सभी लोग कन्फेशन रूम में आ जाएं। सर आदेश तो आप हमेशा देते हैं, आज हमको थोड़ा मौका दीजिए आदेश आपको देने का। हमने सुना है आपने स्कार की आवाज दी है। खैर छोड़िए, हमारा ये काम नहीं है, थोड़ा आप अगर कुछ सुना दे तो मजा आ जाएगा। ओह सिम्बा, मुझे बहुत हैरत हो रही है तुम्हें जिंदा देखकर। ओह सिम्बा, तो आज इन्हें बता ही दीजिए कि मुफासा की मौत का कारण आखिर कौन था, क्यों बता दिया ना इसने हत्यारा कहीं का। हाय मुझे लगता है कि अब मुझे आगे जाकर सिर्फ और सिर्फ अदरक तुलसी हनी इन्हीं सब का सेवन करना पड़ेगा, खाना पीना तो छोड़ना ही पड़ेगा भाई, आवाज हो तो ऐसी लाजवाब। डूड ये बताओ कि तुमने अपार्ट फ्रॉम दीज फेमस वॉइस ओवर्स और कहां कहां अपनी आवाज दी है। देखिए मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्रीज किए हैं, मैंने डिश टीवी, D2H, जिलेट, MTV, कलर्स टीवी, Z5 और बिग बॉस का नाम तो जुड़ ही चुका है। इसके साथ साथ कुछ मैंने गेम्स में अपनी आवाज दी है और साथ ही मैंने कुछ एनिमेटेड वीडियोस में जो आप यूट्यूब पर और कुछ टीवी चैनल्स पर भी देख सकते हैं उनमें भी मैंने अपनी आवाज दी है। भाई तुम और भी बहुत कुछ डिजर्व करते हो लाइफ में, आई रियली वांट यू टू गो एकदम सुपर डुपर हाई, एकदम जाके एकदम पूरा रॉक कर दो, रॉकेट बन जाओ तुम, एकदम फाइटर जेट प्लेन बन जाओ यार, जज्बात में काबू नहीं हो पा रहा है, तुम होना सामने आशीष। वैसे आपके इंस्पिरेशन कौन है? अतुल सर शुरू से कह सकते हैं कि मेरे मेंटोर की तरह रहे हैं, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, हमेशा एक छोटे भाई की तरह माना है और बहुत प्यार दिया है, जब भी उनकी कोई भी जरूरत होती है ही इज ऑलवेज देयर, तो इस तरह से वो हमेशा सपोर्ट करते हैं और एक बड़े भाई की तरह हमेशा मेरी लाइफ में बने रहेंगे। यार अब अतुल सर के बारे में क्या कहना, इनको पूरी इंडिया जानती है लेकिन पहचानती नहीं, अब इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हम, हर्ष हर्ष राइट। ऑन दैट नोट आज जब तुम सामने साक्षात आ ही गए हो तो तुमसे ना आवाज के मामले में दो टिप्स लेनी है यार। देखिए अपनी आवाज को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कुछ टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आपके प्रोनंसिएशन, आपका मॉड्यूलेशन, आपकी डिलीवरी काफी बेहतर बन सकती है। जैसे सबसे पहले आपको अपने मदर टंग इन्फ्लुएंस पर वर्क करना है। मदर टंग इन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है कि आपकी जो भी मातृभाषा है वो मराठी हो, भोजपुरी हो, बंगाली हो, इन लैंग्वेजेस का आपके करेंट लैंग्वेज पर प्रभाव दिखना। जैसे कोई भोजपुरी, कोई बिहारी है तो उसकी आवाज हिंदी में भी कुछ
और सच में हम कह रहे थे, काइंड ऑफ थोड़ा ऐसा साउंड करता है। तो आप इस पर काम कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हॉलीवुड मूवीज जो हिंदी में डब्ड है वो देखिए, सुबह उठकर ओम चैंटिंग कीजिए, शिव तांडव स्तोत्रम पढ़िए, टंग ट्विस्टर्स कीजिए, ज्यादा से ज्यादा रीड कीजिए। रोजाना अगर आप आधे घंटे समय देते हैं रीडिंग में, तो आपकी रीडिंग की स्पीड भी बढ़ती है, आपके प्रोनंसिएशन भी अच्छे होते हैं, और इस तरह से आप अपनी आवाज पर एक बेहतर कमांड हासिल कर सकते हैं। क्या बात है। अब स्मृति सिंह चाहती है कि आशीष सभी वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स को एंड सभी सुनने वालों को अपना आशीष दे दे। आई विश ऑल ऑफ यू गाइज ऑल द बेस्ट एंड ऑल द सक्सेस। खूब तरक्की कीजिए, खूब खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। और अब स्मृति चाहती है कि इस पॉडकास्ट को सुनने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा इसको लोगों तक पहुँचाए। एंड हैव अ ग्रेट ईयर अहेड।